अकेलापन और अकेले में रहना में आज थोड़ी जानकारी लेते हैं। कह रहे कि अकेलापन होना और अकेलापन लगना ये एक अलग बात होती है, और अकेले में रहना और अकेले में रह सकना ये अलग बात होती है। यदि आपको ऐसा बोला कि नहीं बाप अकेले में रहो, 1 घंटा बैठ के देखो, अकेले में रहो मतलब अकेले बैठना है, आसपास में कोई नहीं है, आसपास में कोई वस्तु भी नहीं है, ऑब्जेक्ट भी नहीं है, ना मोबाइल है ना टीवी है ना और कुछ है, मतलब आपके पास में कोई संसाधन नहीं है कि उसके साथ में आप टाइम कमा सके, टाइम बिता सके, और आप अकेले बैठे हैं, तो क्या होगा? बहुत सारे विचार आएंगे कंटिन्यूअसली, पॉजिटिव निगेटिव, ये वो, जो नई थॉट्स चाहिए वो थॉट्स आएंगे, जो नहीं काम करने वो काम दिमाग में आएंगे, मतलब ऐसा काफ़ी सारा हो सकता है कि जिसमें आप मतलब बहुत नाराज हो सकते हैं, रेस्टलेस हो सकते हैं, बेचैन हो के नहीं नहीं जमता नहीं, अभी अभी भागो यहाँ से, बहुत हो गया, अभी 1 घंटा बैठना, नहीं बैठ सकते हैं, मतलब कुछ लोग तो अकेले बैठ ही नहीं सकते हैं, उनको कुछ ना कुछ रेडियो चलने को होना, कुछ ना कुछ टीवी चलने को होना, अकेले रहना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, तो वो अकेलापन है। और दूसरा अकेले में रहना है। अकेले में रहना बोले तो कैसा है कि खुद होके आप चूज कर रहे हो कि अभी मैं अकेले बैठने वाला हूं, चूज कर रहे हो कि मैं अकेले में अपने साथ में रहने वाला हूं, अपने साथ में रह के, अपने बीइंग के साथ में रह के, अपने खुद के स्पेस के साथ में रह के, अपने सेल्फ के साथ में, कोई लोग उसको आत्मा बोल सकते हैं, कोई संभावना बोल सकते हैं, कोई सेल्फ बोल सकते हैं, कोई स्पेस बोल सकते हैं, जो भी है, कोई परमात्मा बोल सकते, भगवान बोल सकते, मतलब उसके साथ में रहना है, जस्ट बीइंग देयर, अकेले, और बहुत एंजॉय कर रहे हो। यदि आप सचमुच वो बहुत एंजॉय करते हैं, और वो कैसा हो सकता है? प्रोड्यूसिंग अल्फा स्टेट, जैसे मैंने बताया कि अलग अलग स्टेट्स होती है ब्रेन की एक्टिविटी की। यदि आप एकदम रिलैक्स बैठेंगे, बिल्कुल विचार कम से कम, विचारों को ज़्यादा महत्व देने का नहीं, एकदम रिलैक्स बैठने का है, ज़्यादा सोचना भी नहीं है, जो आ रहा है वो आने दो, जो विचार आ रहे आ रहे, जो जा रहे जा रहे, उसको ना कोई महत्व देने का है ना फोकस करने का है, नेचुरली आपका ब्रेन रिलैक्स हो जाएगा, अल्फा स्टेट क्रिएट हो जाएगी, और वो स्टेट में आप बैठना मतलब अच्छा लगेगा आपको कि नहीं, मज़ा आ रहा है उसमें, हो सकता है कि उसमें आपको मज़ा आएगा, मगर वो क्रिएटेड स्टेट होना चाहिए। अब ये स्टेट जो है क्रिएटेड, अकेले में रहना, कुछ नहीं होते हुए अकेले में खुशियाँ, क्या होता है कि हमारी लाइफ पूरी कंट्रोल बाहर से है, नाराज होते हैं किसके ऊपर तो कुछ हो गया तो नाराज हो जाएंगे, गुस्सा करेंगे तो कुछ किसके ऊपर गुस्सा करेंगे, बात करने किससे कुछ रिएक्ट कर देंगे, मतलब रेस्पॉन्ड कंटिन्यूअसली हम रिएक्ट 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 करते, रेस्पॉन्ड करते ही नहीं है, तो ऐसे इसमें फिर जब रिएक्टिव मोड में हम हैं, कंटिन्यूअसली रिएक्टिव मोड में ही हैं, तो खुश कैसे रहेंगे? वो तो पूरी बीटा एक्टिविटी चल रही है ब्रेन की, कंटिन्यूअस 13 से 30 हर्ट्ज़। हमको ये सीखना पड़ेगा कि परिस्थिति कैसे भी हो, मेरी एक्टिविटी जो है वो अल्फा स्टेट, एकदम रिलैक्स है, मेरी मनस्थिति में रिलैक्स रखूंगा, और उसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वो प्रैक्टिस हम करवाते हैं हमारे हिप्नोथेरेपी के क्लासेस में, हिप्नोटिज्म के क्लासेस में, CBT कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी क्लासेस में, REBT की क्लासेस में, काउंसिलिंग है, NLP है, कि जिसमें हम लोगों को ये बोलते हैं कि भाई आप जो मीनिंग निकालते हो वो मीनिंग मत निकालो, नंबर एक, रिलैक्स रखो, एकदम रिलैक्स, माइंड का जो मीनिंग का फॉर्मूला कंटिन्यूअसली चालू रहता है, और वो निगेटिव मीनिंग निकालते हैं, वो निगेटिव है, वो सत्य नहीं है, वो एक मीनिंग है, 10 मीनिंग और निकल सकते हैं, ऐसा अपने आप को बोलो और शांत रहो, रिलैक्स रहो, रिलैक्स रहो, तो क्या होगा? अकेले में बैठने में भी आपको बहुत मज़ा आ जाएगा, बहुत ही मज़ा आएगा। और फिर जैसा हम कोई भी प्लेजरेबल एक्टिविटी क्यों करते हैं? क्योंकि हमको मज़ा आता है। गुलाब जामुन क्यों खाएंगे, रसगुल्ला क्यों खाएंगे, मज़ा आता है इसलिए खाते, पिक्चर जाते हैं, घूमने जाते हैं, मॉल में जाएंगे, मज़ा आता है, मज़ा आता है मतलब क्या? फील गुड हार्मोन सीक्रेट होते हैं। अब यदि फील गुड हार्मोन सीक्रेट करना आपने अपने आप ही सीख लिया रिलैक्स बैठ के, और फील गुड हार्मोन का निर्माण अपने आप ही किया, तो कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, आप तो बिना कुछ किए भी खुश हो सकते हैं, बिना कुछ किए भी रिलैक्स हो सकते हैं, बिना कुछ किए भी आनंद ले सकते हैं लाइफ का। तो हमको ये सीखना पड़ेगा, बिना रिएक्शन सॉलिट्यूड में रहना सीखना पड़ेगा।
अकेलेपन नहीं, लोनलीनेस नहीं। देखो सॉलिट्यूड वर्सेस लोनलीनेस अलग अलग है। लोनलीनेस मतलब अकेलापन महसूस करना, वो नहीं। सॉलिट्यूड में रहना, अकेले रहना, अकेले रह के सोचना, और उल्टा मैं तो ये काफ़ी बोलता हूँ कि भाई अकेले में रहो, जस्ट बीइंग विथ योर सेल्फ डेज, BWY डेज, बीइंग विथ योर सेल्फ डेज। मतलब ऐसा दिन रखो कि आप आपके साथ में हो, समुद्र के किनारे जाके बैठे हो, कमरे में बैठे हो, अपने आप को लॉक करके रखा हुआ है, जस्ट बीइंग विथ योर सेल्फ। ऐसी ऐसी नई नई कल्पनाएं आएंगी, हो सकता है ऐसे ऐसे इनोवेशंस आपको नए नए दिमाग में आ जाएंगे, हो सकता है कुछ आइडियाज आ जाएंगी आपके बिजनेस के बारे में, आपके लाइफ के बारे में आपने सोचा नहीं होगा, क्योंकि वो आने को आपके पास में टाइम ही नहीं। अब तो कंटिन्यूसली बिजी है, बिजी है, बाहर से कुछ ना कुछ अंदर आ रहा है, तो अंदर का बाहर आने का चांस ही नहीं है। तो हमको भी ये देखना है कि भाई सॉलिट्यूड में रहना सीखो, लोनलीनेस नहीं। और जितना आप सॉलिट्यूड में रहेंगे उतना आप ज़्यादा क्रिएटिव हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मानसिक रोगी तथा शराबी के व्यसनी, इनको बिना रिश्तेदार अकेले हम हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट को भर्ती करते हैं और उनका इलाज करते हैं।